और दोस्तों देख सकते किस तरह से यह सांप अटैक किया हुआ है, छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं शत्रुघ्न बाबा आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। मेरे दोस्तों जीव जंतुओं को बचाते हुए आज फिर एक बेजुबान की जान बचाने के लिए चल दिए हैं। और यह जो है मल्लूपुर मठिया में एक बड़ा सांप निकला हुआ है और आज जीवतिया का पर्व है। और चलिए पहले चल के देखते हैं कौन सा सांप है और उसको निकालते हैं। आइए तो सांप कर्कश का रूम है और इसे कहाँ छिपा हुआ ये दिखाते और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक बिग साइज का स्पेक्टिकल्ड कोबरा है जिसे हम लोग अपने भाषा में गेहुअन कहते हैं, नाग कहते हैं, फेडार कहते हैं, खरीस कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यह करकट के अंदर जाके छिपा हुआ है, चारों तरफ से करकट है। और यहाँ पे गाय बंधाती है और इसी के ऊपर जो है यह सांप बैठा हुआ है और काफी सावधानी से सांप को निकालना पड़ेगा। 10 इंच का दीवाल है सर, 10 इंच का दीवाल है तो इसका मुंह लग रहा है कि अंदर की तरफ है। खैर अपना सावधानी के साथ इसको निकाला जाएगा। दोस्तों देख सकते किस तरह से यह सांप अटैक किया हुआ है, छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा है। और दोस्तों काफी खतरनाक तरीके से यह सांप पकड़ा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों काफी गुस्से में ये सांप है। और देख सकते हैं छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहा, छोड़ते नहीं। और देख सकते हैं दोस्तों यह सांप स्टिक को किस तरह से पकड़ा हुआ है। देख सकते और देख सकते दोस्तों स्टिक पर केवल जहर ही जहर आ गया है। और देख सकते हैं दोस्तों काफी खतरनाक तरीके से यह सांप अटैक कर रहा है। Ah.
उसी पर आइए, उसी पर आइए। उधर रोड तो उस पर ले चला जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस सांप को काफी मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा गया। यह सांप काल बनकर जो है घर में आया हुआ था, और आज जो है हिंदू धर्म का जूतिया पर्व है। और कहा जाता है कि जूतिया एक ऐसा पर्व है जो माँ अपने बच्चों के लंबी आयु के लिए यह पर्व करती है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कोई खतरा होकर कोई अगर बच जाता है, कोई घटना से कोई बच जाता है, तो लोग कहते हैं कि जो तोर माई घर जूते अकेले रही हो। ना जी, कैसे कहल जला, कैसे कहल जला, के भाई बोलिए आई के कहल जला बाबा, मतलब मान ली कोनो खतरा होकर से केहू बच जला तो लोग का कहला पहले जे तार माई घर जूते अकेले बड़ी कब बच गइल ना त सुका बच जी। और देख सकते हैं दोस्तों, बाबा भी कह रहे हैं कि घर जूते एक ऐसा पर्व होता है जो माँ अपने बच्चों के लिए लंबी आयु के लिए करती है। जी, और तुम जोर से बोला अच्छा, घर जूतिया के बारे में बाबा रुआ लोग कुछ कहे, बाबा बताई घर जूतिया के बारे में कुछ बताई तो बाप माता जी यही खाती करे ला की बाबू हमारे जी है खतरा उनका ऊपर ना आए, खतरा ऊपर बाबू का हमारा ऊपर ना आए, यही खाती खर जीतिया। देखी कितना भाग्यशाली, मतलब माई कोयले बनी। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी मतलब अहो भाग्य है कि आज घर ज्योतिया का पर्व है, और जिस दिन यह सांप आया हुआ था और लोगों का नजर इस पर पड़ा और मौके पर हमें फोन किया गया और हम आए और इस सांप को काफी आसान तरीके से पकड़े और लोगों के बीच एक अच्छी जानकारी दी। और इस सांप को जो है, इस सांप को अब हम लोग डिब्बे में रखेंगे और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। और दोस्तों हम अपने साथ एक डिब्बा लेके आए हुए हैं, और आइए सांप और दोस्तों फाइनली इस सांप को हम लोग डिब्बे में रख लिए। दोस्तों हमारा इसके साथ पढ़ाई लिखाई है, ट्रेनिंग है, आप लोग मेरा नकल ना कीजिएगा नहीं तो आपके साथ खतरा भी हो सकता है। और इसको हम लोग डिब्बा में रखे, इसमें चारों तरफ छेद किया गया है ताकि इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलेगा और इसको हम लोग दूर जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। और ज्योतिया के बारे में हो गए, और मेरे दोस्तों इस सांप को हम लोग छोड़ने के लिए आ चुके हैं जंगल में, और आइए हम लोग छोड़ देते हैं। दोस्तों आज जूतिया का पर्व है, आज के दिन सभी हिंदू धर्म के माता जी लोग जो है इस व्रत को करती हैं ताकि उनके बच्चे की उम्र लंबी हो, लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। और इस दिन कहा जाता है, एक कथा होता है जैसे हम आपको कह के बताते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ माता जी लोग ऐसे कथा कहती हैं, हम अपने ऊपर कह के कह रहे हैं, देखिए ऐसे होता है, ए अरियार त का बरियार,
जाके राजा रामचंद्र जी से कही कि शत्रुघ्न बाबा के माई खर जीवतिया कैले बड़ी, ऐसे होता है। और फिर से एक बार कथा कह के सुनाते हैं कि कथा ऐसे होता है कि ए अरियार तो का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कह दी कि हमार जे वीडियो देखता वहाँ के माई खर जीवतिया कैले बड़ी, ऐसे होता है। दोस्तों कितना अच्छा लगता है यह सब सुनते हुए, क्या होता है। और फिर एक बार कहना चाहेंगे कि ए अरियार तो का बरियार, जाके राजा रामचंद्र जी से कह दी कि कैमरा मैन के माई खर ज्योतिया कैले बड़ी। और देखिए कैमरा मैन हमारे मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, दुनिया में कुछ नहीं है, सब धन दौलत बेकार है दोस्तों। आप अपने परिवार की सेवा कीजिए, रक्षा कीजिए और अपने समाज की रक्षा कीजिए। आपकी माँ मेरी माँ, मेरी माँ आपकी माँ, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग को सम्मान कीजिए, ऊंच नीच का भेदभाव ना रखिए, सबको सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और असहाय लोगों की मदद कीजिए। और दोस्तों देर ना करते हुए आइए, इस सांप को छोड़ देते हैं कुछ। दोस्तों यही बरियार का पौधा है, थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। जो माँ व्रत की रहती है आज के दिन इस पौधा को स्पर्श करके बोलती है, इसी पौधा को स्पर्श करके बहुत बरियार होता है, इसलिए इसका बरियार नाम रख दिया गया। मतलब ये वैसे जगह पे होता है जहाँ पे मतलब काफी बंजड़ जमीन होता है, काफी मजबूत होता है। दोस्तों यह काफी मजबूत होता है इसलिए यह इस पौधा को स्पर्श करके बोला जाता है। और देखिए कितना प्रेम स्नेह है माता के और पुत्र के प्रति। उनका कहना होता है, ऐसे भी लोग कहते हैं कि इसको पकड़ के कहते हैं कि मार के अई हो मरा के ना, मार के अई हो मरा के ना, जीत के अई हो हार के ना, ऐसे माँ लोग का। देखिए कितना प्रेम, कितना इस प्रेम, इसका कोई था अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया ही होगा। और चलिए हम लोग इस सांप को छोड़ देते हैं, और तब जब तक चलते हैं तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा और इधर आ जाइए, और दोस्तों आइए सांप को छोड़ते हैं और उधर से जाइए। उधर कैमरा कहाँ से सांप आ रहा है, इधर तक है सांप। हाँ ठीक। और दोस्तों आइए सांप को हम लोग छोड़ देते हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं से रहिए। और दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि यह सांप जो है अपने अनुकूलित दिशा में चला गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। और मेरे भाई सभी माताओं को मेरा प्रणाम है, आप लोगों को मेरा प्रणाम है। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए, यही हमारी चाहत है। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए।